दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मकसद है भारत को बेहतर नींद देना और हमारे इस सफर में आप हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर करें उनके साथ जिन्हें नींद आने में तकलीफ होती है। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज सुनिए पूर्वी अफ्रीकी देश की एक लोक कथा। एक सुल्तान था, उसके तीन बेटे थे। तीनों बेटे पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते थे। सुल्तान ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उनके तीनों बेटों को तालीम देगा वो उसे बहुत सारा इनाम देंगे। कई लोग आए और निराश होकर चले गए। कोई भी सुल्तान के बेटों को शिक्षा नहीं दे सका। एक दिन सुल्तान के पास एक जादूगर आया। उसने दावा किया कि वो उसके बेटों को पढ़ाई लिखाई सिखा देगा, लेकिन बदले में उसे क्या मिलेगा? सुल्तान ने कहा कि वो उसे अपना आधा खजाना दे देगा। जादूगर ने कहा कि खजाना उसके किस काम का? सुल्तान ने कहा कि वो उसे अपना आधा राज्य दे देगा। जादूगर ने कहा कि उसे राज्य की भी तलब नहीं है। सुल्तान परेशान हो गया। उसने जादूगर से पूछा, तुम क्या चाहते हो इनाम में, अपनी बात कहो। फिर आगे क्या हुआ इस अफ्रीकी लोक कथा में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है,
मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बरसों पुरानी बात है, एक सुल्तान था और उसके 3 बेटे थे। उसके बेटों में बस एक ही कमी थी, वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे। वो काफी बड़े हो गए थे लेकिन अभी तक अनपढ़ ही थे। इस बात से सुल्तान और उनकी बेगम बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर कोई नाकाम होकर लौट गया। सुल्तान और उनकी बीवी नाउम्मीद हो गए कि उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकेंगे। तभी एक दिन ऐसा हुआ कि उस सुल्तान के पास एक जादूगर आया। उसका नाम इंचावी था। उसने सुल्तान से कहा कि मैं आपके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, लेकिन आप मुझे इनाम में क्या देंगे? सुल्तान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपना आधा खजाना दे दूंगा। जादूगर इंचावी ने हंसते हुए कहा, इससे मेरा भला नहीं होने वाला है। सुल्तान ने फिर कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। इंचावी हंसने लगा और बोला, मैं आपके राज्य का क्या करूंगा? सुल्तान सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए फिर? इंचावी ने तुरंत ही जवाब दिया, मैं जब आपके 3 बेटों को पढ़ा लिखा कर आपको सौंपूंगा तो 2 बेटे आप अपने पास रख लेना और 1 बेटा मुझे दे देना, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं और मैं उसे अपने पास बहुत प्यार से रखूंगा। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान ने जादूगर की बात मान ली। जादूगर उसके 3 बेटों के साथ चला गया। कुछ दिनों बाद जादूगर सुल्तान के पास उसके 3 बेटों को लेकर पहुंचा और कहा कि उसके बेटे अब अनपढ़ नहीं रहेंगे। उसने 3 ही बच्चों को सभी विषयों में योग्य बना दिया है। सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने बेटों के सर पर हाथ फेरा। तभी जादूगर ने कहा, वादे के मुताबिक आप अपने लिए 2 बेटे चुन लीजिए और अपना 1 बेटा मेरे सुपुर्द कर दीजिए। सुल्तान ने वादा निभाते हुए अपने लिए
दो बेटे चुन लिए और तीसरा बेटा किजाना को जादूगर को सौंप दिया। तीसरे बेटे को लेकर जादूगर खुशी खुशी अपने घर चला गया। किजाना ने देखा कि जादूगर एमचावी का घर बहुत ही बड़ा था। एमचावी ने किजाना से कहा कि अब वही उसका पिता है और वो इस घर का मालिक। उसने किजाना को चाबियों का गुच्छा देते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम घर का ख्याल रखना। ये कहने के साथ ही जादूगर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद किजाना ने घर को देखना शुरू किया। उसने एक कमरा खोलकर देखा। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरा सोने से भरा हुआ था। खास बात यह थी कि वो सोना पिघली वाली अवस्था में था। शायद जादूगर ने उसे सूखने के लिए यहां रखा था। किजाना ने चेक करने के लिए उसमें उंगली डाली तो सोने की परत उसकी उंगली पर चढ़ गई। उसने सोने को उंगली पर से हटाने के कई सारे जतन किए लेकिन वो नहीं हटा। वो डर गया कि कहीं इसका पता जादूगर को न हो जाए, इसलिए उसने अपनी उंगली पर एक कपड़ा बांध लिया ताकि सोना छुप जाए। एमचावी वापस आया तो उसने किजाना की उंगली पर कपड़ा लिपटा हुआ देखा। उसने पूछा कि तुम्हारी उंगली में क्या हुआ है, तुमने उस पर कपड़ा क्यों बांध रखा है। किजाना ने उसे बताया कि उसकी उंगली कट गई थी इसलिए उसने कपड़ा बांध लिया है। एमचावी ने उसकी बात मान ली। कुछ दिन साथ रहने के बाद जादूगर फिर से चला गया। जाते वक्त वो घर की चाबियां उसे दे गया। उसके जाने के बाद किजाना ने फिर से उसका घर देखना शुरू किया। उसने कई सारे कमरे देख डाले। हर कमरे में किसी न किसी जानवर की हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। एक कमरे में इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। किजाना ने जब सातवां कमरा खोला तो उसमें उसे घोड़ा बंधा हुआ मिला। अभी किजाना घोड़े को ताज्जुब से देख ही रहा था कि घोड़े ने उसे टोकते हुए इंसानों की आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे आ पहुंचे। किजाना ने मासूमियत से कहा, ये मेरे पिता का घर है। घोड़े ने किजाना को आश्चर्य से देखते हुए कहा, तुम पहले तो कभी नहीं दिखे, क्या तुम सचमुच
जादूगर के बेटे हो? क्या तुम्हें पता है कि इस जादूगर को जब भूख लगती है तो यह सब कुछ खा लेता है। अब इस घर में सिर्फ दो जीव ही बचे हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। घोड़े की बात सुनकर किजाना डर गया। उसने हकलाते हुए पूछा, मुझे क्या करना चाहिए अब? घोड़े ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसका नाम पूछने लगा। किजाना ने अपना नाम बता दिया तो घोड़े ने कहा, उसका नाम फरासी है, तुम पहले मुझे खोलो फिर मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। किजाना ने घोड़े को आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद घोड़े ने कहा, अब तुम वो कमरा खोलो जिसमें सोना भरा हुआ है, मैं उस सोने को पी लेता हूं। इसके बाद मैं यहां से कुछ दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर तुम्हारा इंतजार करता हूं और तुम सारे कमरों में फिर से उसी तरह से ताले लगा दो। घोड़े ने लिक्विड फॉर्म में मौजूद सारा सोना पी लिया। इसके बाद किजाना ने सारे कमरों में ताले लगा दिए। इसके बाद घोड़े ने कहा, जादूगर कुछ देर में वापस आ जाएगा, वो तुमसे कहेगा चलो जंगल से लकड़ी ले आते हैं, तुम मना कर देना कि तुम्हें ये काम करना नहीं आता है, पहले वो करके दिखाए फिर तुम भी सीख लोगे। इसके बाद जादूगर लकड़ी लाने जंगल में चला जाएगा, फिर वो तुमसे लकड़ी जलाने को कहेगा, फिर तुम वही बात दोहरा देना कि तुम्हें ये काम नहीं आता है, वो तुम्हें सिखाने के लिए करके दिखाए। इस तरह से वो आग जला लेगा। किजाना घोड़े की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। घोड़े ने उसे सिखाते हुए कहा, आग जलाने के बाद जादूगर उस पर एक बहुत बड़ा पतीला रख देगा, इसके बाद वो ढेर सारा मक्खन लेकर आएगा और तुमसे उसे डालने के लिए कहेगा, तुम मना कर देना कि इतना सारा मक्खन तुम नहीं उठा सकते हो। इसके बाद वो पतीले में मक्खन डाल देगा। इतना करने के बाद वो तुम्हें झूला झुलाने के लिए कहेगा, तुम फिर कहना कि पहले आप झूल कर दिखाओ, मुझे नहीं आता। इस तरह से जब वो झूला झूलने लगेगा तो तुम उसे पतीले में धक्का दे देना। इसके बाद तुम भागकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, तुमने मुझे आजाद किया है। इसके बाद घोड़ा वहां से तेजी से
बाहर चला गया। कुछ देर बाद जादूगर आ गया। उसने आते ही किजाना से कहा, आज घर में दावत का प्रोग्राम है, मेरे कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया है। मैंने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया है, चलो पहले जंगल से लकड़ियां ले आए। किजाना ने घोड़े की सिखाई बातों के मुताबिक उसे मना करते हुए कहा, वो ये काम करना नहीं चाहता है, वो पहले करके दिखाए ताकि मैं सीख सकूं। इमचावी लकड़ी लाने जंगल में चला गया। इसके बाद सब कुछ वैसे ही होता चला गया जैसे कि घोड़े ने उसे बताया था, और हर बार किजाना ने यही कहा कि उसे ये काम करना नहीं आता है। जब जादूगर इमचावी ने पतीले में मक्खन डाल दिया तो वो किजाना से कहने लगा, मेरे गांव में खेल होता है, चलो उसे खेलते हैं। जब तक मक्खन को गर्म होने देते हैं। इसके बाद उसने पास के पेड़ पर एक झूला डाला और किजाना को बुलाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें झूला झुलाते हुए उस खेल को सिखाता हूं, चलो झूले पर बैठो। किजाना ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, मुझे झूले पर बैठना नहीं आता है, आप पहले झूला झूलकर मुझे दिखाइए ताकि मैं भी वैसा ही कर सकूं। इमचावी मान गया और वो झूले पर बैठ गया। किजाना ने उसके झूले को धक्का दिया और जब इमचावी पतीले के ठीक ऊपर पहुंचा तो उसने जादूगर को धक्का दे दिया और वो पतीले में जाकर गिर गया। इसके बाद किजाना वहां से तेजी से घोड़े की तरफ भागा। घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। फरासी ने उसे देखा तो पूछा, सब वैसे ही हुआ ना जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था? किजाना ने कहा, हां बिल्कुल वैसा ही। फरासी ने कहा, तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हमें यहां से जल्दी से निकलना होगा वरना कुछ देर में जादूगर के दोस्त आते ही होंगे। किजाना जल्दी से उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ देर बाद जादूगर के दोस्त जब घर पहुंचे तो उन्हें जादूगर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उधर किजाना को लेकर घोड़ा तेजी से भागता रहा। उन्हें एक शहर नजर आया और वो वहीं ठहर गए। किजाना को वो शहर बहुत पसंद आया। उसने वहीं बसने का इरादा कर लिया। उसने अपनी ये ख्वाहिश फरासी को बताई, वो भी तैयार हो गया। इसके बाद फरासी ने सारा सोना उगल दिया। उस सोने को बेचकर किजाना ने एक खूबसूरत घर बनवाया। उसमें आराम और खुशहाली के सारे सामान भरे, नौकर चाकर रखे और खुशी से रहने लगा। पड़ोसियों ने जब किजाना की
ऐशो आराम देखी तो उन्हें ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो इस शहर का लगता भी नहीं था। ये बात उस शहर के सुल्तान तक पहुंची। सुल्तान को उससे मिलने की ख्वाहिश हुई। उसने किजाना को बुला भेजा। जब किजाना वहां पहुंचा तो सुल्तान उसकी सुंदरता और अंदाज देखकर समझ गया कि ये किसी आला खानदान से है। उसने किजाना से पूछा कि वो कौन है, अपने बारे में बताएं। किजाना ने कहा कि वो भी बाकी लोगों की तरह एक आम सा इंसान है। ये शहर मुझे पसंद आया, इसलिए यहीं बसने का इरादा कर लिया। सुल्तान शहर की तारीफ सुनकर खुश हो गया। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ शहर दिखाता हूं। इसके बाद सुल्तान ने उसे शहर घुमाया और उससे रास्ते में बातें भी करता रहा। उसे एहसास हो गया कि किजाना बहुत समझदार और अच्छा इंसान है। सुल्तान और किजाना में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी किजाना से कर दी। इसके बाद किजाना अपनी बीवी और घोड़े के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अभी आपने ये कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है और अब आप नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।